मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपका 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक्स कंप्लीट कर दिए। तो आइए अब एक्सरसाइज में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 मैपिंग डायग्राम -180 डिग्री होता है। एक्चुअल ऐसा क्यों होता है, नहीं देखिए यहाँ पे एक लाइन के ऊपर एक रेस एड कर दिया तो एक्सिस एंड एंगल्स का सब क्या होता है 180, और इसी को हम क्या कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो रीजन भी क्या लिख देंगे यहाँ पे लीनियर पेयर से एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, नोट कर दीजिए और नोट कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
एडी लाइन है, सीबी लाइन है और ईएफओ लाइन है। अब क्या करते हैं, एबी पैरेलल टू सीडी एंड सीडी पैरेलल टू ईएफ। सिंस गिवन क्या है हमारे पास, एबी पैरेलल टू सीडी एंड सीडी पैरेलल टू ईएफ एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल्स टू 3:7। यू नीड टू फाइंड एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है। ओके, आंसर में हम क्या लिखने वाले हैं, गिवन से देखो बेटा हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, एडी पैरेलल टू सीडी है एंड सीडी पैरेलल टू ईएफ। एबी सीडी के पैरेलल और सीडी ईएफ के पैरेलल, तो एबी और ईएफ भी तो पैरेलल हुए ना बेटा, ठीक है, एबी और ईएफ भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, सिंस वाई रेशियो जेड इज इक्वल्स टू 3:7, लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स, लेट द, हम क्या करते हैं कॉमन फैक्टर क्या कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो वाई क्या हो जाएगा 3x और जेड क्या हो जाएगा 7x। अब मेरी बात सुनिए, मेरे पास रिलेशन है वाई और जेड में, तो मुझे पता होना चाहिए वाई और जेड एक्चुअल में रिलेशन क्या बना रहे हैं, ये मुझे दिखना चाहिए। तो देखो वाई और जेड में कुछ रिलेशन बन रहा है, कोऑर्डिनेट, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, या फिर कोइंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ बन सकता है कि जब ये हमें पता है नी कौन सा है वर्टिकली कौन सा एंगल, तो ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा वाई। अब देखिए वाई प्लस जेड, ये देखिए लाइंस है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर आने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, लेकिन तब जब लाइंस कंप्लीट पैरेलल, तो लाइंस पैरेलल ऑलरेडी है, इसीलिए पैरेलल में क्या है ईएफ। तो देखते हैं यहां पे मैं लिख सकता हूं, सिंस y plus z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा ये प्रॉपर्टी कौन सी लिखी है यहां पे, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, कलाइड एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हमने ये, अब y की वैल्यू क्या है 3x, z की वैल्यू क्या है 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 7x प्लस 3x ये बन गया 10x, x इक्वल्स टू 10 डिवाइड में चला गया तो 18। अब x कॉमन फैक्टर है बाकी हमारा, हाँ बेटे यहाँ पे ऑलरेडी x था, ठीक है, हम यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर मानेंगे वो स्मॉल a मान, ठीक है, तो स्मॉल a मान इसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है ऐसा एंगल, a हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो कितना आ गया 18। अच्छा, अब हमें ये चेक करना है कि इससे वाइल्यू चेक तो आ जाएंगे लेकिन x कैसे आएगा, तो मेरे को पता होना चाहिए पता देखना, क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के, तो ये आपस में तीनों ही लाइन से पैरेलल लगेगा, ठीक है, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ इन दोनों से ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल, तो ये तीनों ही आपस में पैरेलल हो गए। तो देखना जब जेड आ जाएगा तो एक्स क्या बन रहा है, ये जेड बन रहा है ना, कौन सा एंगल बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ना, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जेड। देखो यहाँ से पहले तो जेड की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जेड क्या है 7 × 18 = 126 डिग्री, सिंस एक्स एंड जेड आर कौन से एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
therefore alternate interior है ना, lines parallel है, therefore x is equals to z. x z कितना है 126 degree, x भी हमारा क्या हो गया 126 degree. ठीक है, तो ये हमने second question complete कर लिया, 126 degree हमारा आंसर आ गया second question. नोट कर लीजिए इसे. तो चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें. देखिए अभी क्या थे गिवन है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, एडी पैरेलल टू सीडी, दो लाइंस हैं एडी एंड सीडी, वो पैरेलल दी गई है. ठीक है, एंड ईएफ इज पेंडिकुलर टू, दिस इज सिंबल ऑफ पेंडिकुलर, दिस इज सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस. सीडी ईएफ पेंडिकुलर टू सीडी, ईएफ है वो CD पर perpendicular है, and angle GED 126 degree. ठीक है, find angle, we need to find the one one से angle find करना है, angle AGE, angle GEF, angle F G E. Third question है, ये किस question है? हमें ये दोनों lines parallel हैं और ये perpendicular है और GED the complete angle 126 degree. चलिए पहला angle find करते हैं, AGE. A G E ये वाला है, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ. A G E ये वाला है, तो अगर देखिए आप ध्यान से देखना बेटा, A G E इस तरीके से क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, उल्टा सीधा जैसा भी जेड बने जेड बनना चाहिए. ठीक है, जेड बने तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो वैसे भी ये लाइन तो है, इनको एक ग्लास वजन कट करिए तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो हमें पता करी आंसर हम क्या लिखेंगे, पहले तो गिवन वगैरह सब लिखना है, फिर लिखेंगे सिंस एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल, देखो ए जी ई इज इक्वल्स टू जी ई डी. अब रीजन लिखना है, इसका रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू 126 डिग्री हो गया, क्योंकि जी ई डी हमें गिवन है, बेटा जी ई डी हमें क्या है, गिवन है. देखिए
GED 126 डिग्री AGED. नेक्स्ट में फाइंड करना GEF. देखिए GEF मेरे पास कौन था, देखो GEF ये वाला है फाइंड दिस वन. अब ये मुझे पता है ये जो कंप्लीट है 126 डिग्री दे रखा है लेकिन तो एक क्वेश्चन मिलके पता है This one plus this one. ये हमारे पास कितना है 90, तो 90 126 complete है, उसमें में से ये 90 है. Find मुझे ये करना है. अरे भाई क्या करें, 100 complete में से 126 में से 90 को minus कर देते हैं, हमारे पास बचो हुआ इधर आ जाएगा this one. And अब हम क्या लिखने वाले हैं, sales angle GED plus angle FED is equals to angle this one plus this one is equals to GED. So GED is GEF. So angle GEF. FED कितना है 90 degree. GED कितना है 126 degree. तो अगर GEF is equals to 126 degree minus क्या हो गया 90 degree. That will become 36 degree. Again consider here GEF भी हमने find कर लिया, ठीक है. अब हम चलते हैं थर्ड एंगल की तरफ FGE. FGE तो F G E ये we need to find this one. अब हमें ये find करना है. बेटा कॉमन से बात है. ये कितना एंगल है 126 डिग्री. कोऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल अभी find किया है H P. तो ये देखो एक लाइन है, एक लाइन को ले जा रही है या कुछ जो भी है, एक लाइन सेगमेंट भी है. तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री. तो इसे मान लेते हैं लेट अस दिस सेंस. क्या लिखेंगे एंथर सेंस 126 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. या मैं इसे x की जगह क्या ले सकता हूं एंगल एफ जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन लीनियर देयर एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126 डिग्री दैट विल बिकम 54 डिग्री. लीजिए आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है. इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं. आप अपना वर्क साथ साथ कंप्लीट करते रहे मतलब ताकि क्या हो हम टाइम टाइम पे कॉपी चेक करते रहे, ठीक है. क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन में क्या करना था हमें एंगल ए जी ई फाइंड करना था. जो ए जी ई एंगल था वो क्या था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसके जी ई बी के इक्वल था. तो मैंने ये फाइंड कर लिया. सेकंड मुझे क्या फाइंड करना था बेटा, मुझे एंगल जी ई एफ फाइंड करना था. तो जी ई एफ मुझे पता कंप्लीट एंगल 126 है और उसमें से ये 90 है. तो 90 ये ले गया तो बचो वन 36 तो इसके पास आएगा ना. तो दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू 126. ये मुझे पता था 90 90 को मैंने तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे.